हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नीनूज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आलू से भरी हुई भरवा शिमला मिर्च। अगर हम शिमला मिर्चों को आलू से भरकर बनाते हैं तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। शिमला मिर्च वैसे खाने में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं इसमें। अगर हम शिमला मिर्च को इस तरीके से बनाकर खाते हैं तो सबको बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। आइए देखते हैं हम स्वादिष्ट आलू से भरी हुई शिमला मिर्च किस तरीके से बनाएंगे। इसके लिए लिए हमने 4 शिमला मिर्च बड़े साइज़ की, और इसमें हमने 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं बॉइल्ड। 1-2 प्याज को हमने बारीक काट लिया है, बड़े प्याज को। टमाटर 1 काट लिया है, अदरक चॉप कर लिया है, हरी मिर्चों को काट लिया है, और इसमें 3-4 लहसुन की कलियों को हमने बारीक काट लिया है। इसमें डालेंगे हम ज़ीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और इसमें डालेंगे हींग। हम वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए एक पैन को गर्म कर लेंगे, और इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डाल के थोड़ी सी हींग डाल देंगे 1 पिंच, और जीरा डाल के इसमें हम भूनेंगे प्याज। इसमें लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे कटी हुई, अदरक डाल देंगे, इसको 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे, और फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छे से भूनेंगे ब्राउन होने तक। इतने हमारी प्याज भुनती है तो हम आलू को छील लेते हैं अपने। आलू छील गए हैं, प्याज को देख लेते हैं। प्याज भी हमारी अच्छे से भुन गई है, इसमें टमाटर डाल देते हैं। अब आलू को एक मैशर से हम मैश कर लेंगे। अब हम आलू में ही मसालों को मिला लेंगे, नमक डाल लेंगे, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर हमें बहुत कम डालना है, 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर। कि हमारा प्याज टमाटर का रंग सब आलू का रंग सफ़ेद सफ़ेद ही नज़र आए, बहुत हल्की सी ओनली कलर के लिए, बहुत नॉर्मल कलर के लिए हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल के इसको हमने मिला लिया है। इसमें अमचूर पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए अच्छे से अमचूर पाउडर डालें। अब इस प्याज टमाटर के मसाले में आलू को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए आलू एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं ना, तो इसमें हल्दी का कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और इसमें प्याज भी दिख रही है, टमाटर भी, कलर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है इसका, हल्का हल्का सुनहरा सुनहरा रंग आया है इसमें हल्दी का। इसको ठंडा होने रख देंगे। अब चारों शिमला मिर्चों को हम हल्का से खोखला कर लेंगे, साइड से राउंड से चक्कू से काटते हुए इसका वाइट वाला पोर्शन निकाल देंगे, और अच्छे से हम इसको खोखला करेंगे। आलू की शिमला मिर्च बनाने के लिए हमें बड़ी बड़ी शिमला मिर्चों का लेंगे तो बहुत अच्छी बनेंगी, इसमें स्टफिंग अच्छे से करी जाएगी। अब इसका जो पार्ट है जिसमें इतनी शिमला मिर्च को साइड में हम आलू के इसमें ही काट लेंगे, जितनी बड़ी शिमला मिर्च इसमें निकलती है। अब इसको अच्छे से मिलाते हुए इसमें शिमला मिर्च के टुकड़े भी डालते हुए अच्छे से इसकी हम स्टफिंग कर लेंगे। चारों शिमला मिर्चों को अच्छे से जितना आलू भर सकते उतना भर लेंगे। अब उसी पैन में जिसमें आलू फ्राई किए थे 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, और इसको गर्म होने पे शिमला मिर्चों को हम इसमें रख देंगे। एक बार गैस का फ्लेम तेज रखेंगे, अब स्लो करके इसको ढककर हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। शिमला मिर्च हमारी हल्की हल्की सी गल गई है, अब इसको हम 5-10 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम रखकर ऐसे ही पकाएंगे। हल्का हल्का नमक डाल लेते हैं शिमला मिर्च में ताकि फ्लेवर आ जाए इसमें हल्का हल्का। अभी देखो सेक चुकी है, अब इसको अच्छे से हम सेकेंगे जितना हमें सेकना है इसको करारा। थोड़ा सा हरा, थोड़ा सा सिका हुआ, बहुत अच्छा लगता है इसमें शिमला मिर्च में। शिमला मिर्च को इस तरीके से पकाएंगे, जितना आपको सेकना है आप इसको तवे पर भी सेक सकते हैं, तवे पर भी शिमला मिर्च बहुत अच्छी बनती है। शिमला मिर्च बनकर हमारी बिल्कुल तैयार है, इसको सर्व करते हैं, एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे।
इन भरमा शिमला मिर्चों को खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। इसको चपाती के संग, परांठे के संग बहुत टेस्टी लगती है। नान के संग खाइए, किसी के संग भी खाइए। और इसको अगर, और लच्छे परांठे के संग तो ये शिमला मिर्च बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी लगती है। अगर आप ये लच्छा परांठा, कई लेयर वाला परांठा बनाना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप भी इन भरमा शिमला मिर्च को बनाकर देखिए और बताइए आपकी शिमला मिर्च कैसी बनी है। अपने एक्सपीरियंस को मिनूस किचन में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।